दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं कि आप देखेंगे ना तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि है क्या उसके अंदर, फीलिंग भी है किस तरीके से फीलिंग इसके अंदर गई है और देखने में इतनी सुंदर और खाने में स्वादिष्ट। मसाला बीट चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी लेके आए हैं। खाया तो आपने बहुत बार है और हमेशा आप खाते ही हैं उसको, और उसे कहते हैं समोसा, लेकिन उसे थोड़े से वेरिएशन के साथ हम आपके लिए लेके आए हैं। आप जब खाएंगे तो आपको समोसे का ही स्वाद मिलेगा, लेकिन जब आप उसे देखेंगे तो आपको एक फल जैसा दिखाई देगा। हाँ, हम उसे अनानास समोसे के रूप में आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से। बस दो बाउल हमने लिए मैदा, हमने दो आलू लिए थे मीडियम साइज के, इन्हें उबाल लिया, उबालने के बाद कस लिया। ये थोड़े से ब्रेड क्रम्स हैं जिसे हमें आलू में मिलाना है, स्वाद के हिसाब से नमक और आधा चम्मच अजवाइन है, थोड़ी सी हमने हरी धनी की पत्ती है जिसे काट लिया है, एक हरी मिर्च जिसे काटा हमने महीन महीन, ये आधा चम्मच धनिया है, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा हमने चम्मच खटाई ली है। तो चलिए हम पहले मसाला बना लेते हैं। देखिए दो चम्मच हमने डाल दिया है इसमें रिफाइंड, और इसमें डाल देते हैं हम जीरा। देखिए तड़कने लगा हमारा जीरा, और डाल देते हैं हरा धनिया और ये हरी मिर्च, साथ में डाल देते हैं अपने सारे मसाले और खटाई, और साथ में इसमें चला जाएगा ये आलू जिसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसी में हम डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से नमक, देखिए, और हम डाल देंगे इसी में ब्रेड क्रम्स थोड़ा सा। ये हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं कि इसको बाइंडिंग मिलेगी बढ़िया सी, और खूब बढ़िया से भून लीजिए आप इसको सारे मसाले मिलाते हुए। देखिए मसाला हमारा भून चुका है, अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। देखिए एक बाउल लिया, उसमें हम मैदा अपनी डाल लेते हैं, दोनों जो हमारी कटोरी की मैदा है, आप अपना कोई सा भी नाप बना सकते हैं, किसी बड़ी छोटी कटोरी का कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसमें डाल रहे हैं अजवाइन, और थोड़ी सी हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। ये देखिए देखिए अब हम इसको अच्छे से नमक और अजवाइन को मिला देते हैं इसमें, और हम इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा रिफाइंड। आप देख सकते हैं हमने 3-4 चम्मच रिफाइंड इसमें मिला दिया है। इसकी ये पहचान है, आप कोई सी भी मोयन वाली चीज़ बनाते हैं तो इस तरीके से मोयन आपका हो जाना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ आप मोयन डाल रहे हैं तो वो उसमें परफेक्ट है, इसे जानने के लिए आप इस तरह ही मुट्ठी बनाएं और इस तरह वो बाइंड हो जाएगा कोई भी चीज़। ये देखिए मैदा है, आटा है, वो बाइंड हो जाता है, ये परफेक्ट है नाप, और इसके नाप के लिए आपको चम्मच से गिनने की या तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे स्मूथ सा इसका डो तैयार कर लेते हैं, ना बहुत ज़्यादा ये टाइट और ना बहुत ज़्यादा मुलायम। देखिए कितना बढ़िया डो हमारा तैयार हो चुका है, इसी तरीके का बनाना है। अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। देखिए अब हम इसे लोई को बेल रहे हैं, इस तरीके से आप बेल लेंगे जितना बड़ा आप बेल पाएं। देखिए हमने एक बना के रख लिया है, अब हम दूसरी लोई इसकी बेल रहे हैं, इसे बेलेंगे हम। देखिए ये भी हमारी जो लोई है बेल चुकी है, आप देख सकते हैं इतनी मोटी हमने बनाई है, और जो दूसरी हमारी बिली हुई थी इसको भी इसके ऊपर हम इस तरीके से रख दे रहे हैं क्योंकि हमको बराबर चाहिए, ये देखिए। और अब हम इसे चौकुटा काट लेंगे ऐसे, जिसे बिल्कुल बराबर हो दोनों लोई हमारी। ये देखिए हमने इसको चौकुटा काट लिया और इसको हम हटा दे रहे हैं, और ऊपर से हम जो भी रखा था इसको भी हटा दें, आराम से हटाइएगा। ये देखिए हमने हटा दिया, अब हम निशान लगा लेते हैं। हम इसमें 9 स्टिप इसकी काटेंगे, 1, 2, 3 ऐसे निशान लगा लें, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9, और हम इन्हें काट लेते हैं इस तरीके से, एकदम बढ़िया से काटना है आप।
ये देखिए अब हम इन सबको इस तरीके से उठा लेंगे एक एक करके, और ये देखिए अलग अलग कर लें आप पहले। और अब हम क्या करेंगे, ये एक के ऊपर एक इस तरीके से रख के इसको चिपकाते चलेंगे। आप देख रहे हैं हम इनको ऐसे चिपका दे रहे हैं। ये सबको इस तरीके से चिपका देंगे ऊपर से, ये देखिए बढ़िया से चिपका दी। और अब इसको इस ऐसे रख देंगे, इस तरीके से फैला दीजिए सारे, ये देखें। या फैला दीजिए सब इसे इस तरीके से कर दीजिए जिससे हम आराम से इसको बना पाए। अब इसको ऐसे आड़ा कर देते हैं यूं, इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे, इसको ऐसे रख देंगे, ये देखिए ये ऐसे रख देते हैं। देखिए ये वाली जो स्टेप्स है ये सब एक के ऊपर एक इस तरीके से जाएंगी क्रॉस करते, ये देखें, ये देखिए आराम से इसको इस तरीके से आप बनाते जाइए। ये देखें ये आ गया इस तरह। अब जो इधर वाली है स्टेप, ये इसको हम थोड़ा पास में लाते हैं, इसके ऊपर रख देंगे, इसको इसके ऊपर रख देंगे, ये वाली इसके ऊपर रख देंगे। देखिए चटाई बनती जा रही है, और इसको इसके ऊपर रख देंगे, ये बन गई। अब इधर से ले आएंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसको इस वाली के ऊपर रखेंगे ऐसे, ये देखिए, और इसको इसके ऊपर रखेंगे, ये देखिए ये बन गई चटाई हमारी, और इसे इसके ऊपर रख देंगे। और जो ये है इस तरीके से, ये देखें ऐसे दबा दीजिए आप, जिससे खुले ना, इसको यहाँ से दबा दीजिए। और जो ये फालतू हैं इनको इस तरीके से काट दीजिए, ये ऐसे ये काट दीजिए, ये हमने काट दी। देखिए कितना बढ़िया हमारा पाइनएप्पल का शेप आ चुका है, इसे अलग हटा दीजिए और इन्हें थोड़ा सा दबा दीजिए जिससे ये जब चले तो ये खोले ना। ये देखिए आप देख सकते हैं इसी तरीके से अब हम दूसरा बनाते। देखिए हमें दोनों अपना सिरे एक से लेने हैं, तो हम इसको इसके ऊपर रख देते हैं, ये कुछ नीचे से अभी गोल नहीं हो पाया इसको, तो हम क्या करेंगे देखिए इसे हल्की सी हम यहाँ से ऐसे शेप दे देते हैं जिससे ये यहाँ से गोल हो जाए और ये दोनों हिस्से बराबर हो जाए। ये देखिए हमने इनको काट दिया, दोनों बराबर हो गए, ये आप देख सकते हैं। ये अभी ना अलग अलग करके रख देते हैं, बस इसको थोड़ा दबा दीजिए जिससे कि ये खुले हुए पूर्ण ना, पता चला कि जब हम इसे बनाने चले तो ये खुल गए, वो नहीं होना चाहिए। देखिए हमने एक लोई ली और इसे हम बेल लेंगे इस तरह, थोड़ा लंबा बेलेंगे ऐसे, इसे हम कट कर देते हैं इस तरह। देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, वैसे हम इसको दबा दे रहे हैं, ये देखिए ऐसे। और फिर हम इसको दे देंगे इस तरीके से शेप, ये देख इस तरीके से पत्ती होती है इस तरह, इस तरीके से ये देखिए ऐसे हमने शेप दे दी इसकी। और हम इसे नीचे रखते हैं और इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए इसमें धारी बनाएंगे ऐसे, जैसे पत्तियों में होती है ये, और इस तरीके से आप इनकी धारी बना देंगे ऐसे। आप देख रहे हैं बिल्कुल पत्ती जैसी हो गई है, ये देखो, ये देखिए इस तरीके से आप इसे प्रेस करते हुए चाकू के उल्टी तरफ से इस तरीके से आप ऐसे कर देंगे सारी पत्तियों में। देखिए कितनी सुंदर पत्ती तैयार हो गई बनके, ये देखिए
देखिए हम इसमें थोड़ा सा पानी लगा रहे हैं, हाँ देख देखें जिससे ये चिपक जाए। इधर भी हम पानी लगा देते हैं और इसको इस पे रख दें, देखिए इस पे रख दिए और इसे इस तरीके से दबा, बढ़िया से दबा दीजिए जिससे कि ये खुले ना। ये देखिए अब आप इसे पलट देंगे, आराम से उठाएंगे, ये देखिए, और इसे हम पलट देंगे। देखिए इधर भी हम निशान बना देते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे उधर बनाए थे। देखिए बिल्कुल ये बनके हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसमें फिलिंग हमको इसमें भरनी है। तो जो हमने ये लिया था मसाला इसकी हमने एक लोई बनाई, हम देखते हैं कि इसमें कितना आएगा, तो उसी हिसाब से इसको थोड़ा लंबा थोड़ा पतला ऐसे हम दे देते हैं शेप, ये देखिए ऐसे। और अब हम इसमें लगाएंगे, हमारी प्लेट में कॉर्नफ्लोर है तो हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर इस तरीके से, ये देखिए ऐसे हम चारों तरफ से कॉर्नफ्लोर इसमें लगा देते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे। और अब हम इसके ऊपर रख देंगे, देखिए हमने इसे रख दिया और अब इसका जो दूसरा पीस हमने अभी बनाया था वो इसके ऊपर रख देंगे। देखिए हम यहाँ इसमें पानी लगाएंगे अच्छे से जिससे ये चिपक जाए, फिर इधर किनारों पे भी हम इसमें पानी लगा देते हैं एकदम जिससे ये चिपके और खुले ना। और अब हम इसके ऊपर रख देते हैं ये ठीका अपना जो भी हमने तैयार किया है पाइनएप्पल शेप में, ये देखिए ऐसे चिपका देंगे ऐसे, बढ़िया से आप चिपका दीजिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और इसे हम चारों तरफ से इस तरीके से चिपका देंगे और ये देखिए कितना सुंदर तैयार हुआ है। और हमारा जो गैस है उस पर हमने चढ़ा दिया था रिफाइंड, तो वो भी हमारा तैयार हो चुका है गर्म है, तो अब हम इसे तलेंगे। देखिए अब हम इसे आराम से डाल देते हैं, इसमें आराम से डालिएगा, ये देखिए बहुत सुंदर ये बनने के बाद आपको पाइनएप्पल समोसा मिलेगा खाने के लिए, बड़ा टेस्टी एकदम। देखिए ये सिक चुका है एक तरफ से, दूसरी तरफ से देखते हैं इसको पलट देते हैं, बहुत सुंदर सिका है। चलिए थोड़ी सी देर में फिर देखते हैं, देखिए ये सिक चुका है और हम इसे बड़े आराम से निकाल लेंगे। देखिए कितना सुंदर पाइनएप्पल तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, इतनी अच्छी शेप। आप किसी को समोसा देंगे खाने के लिए तो वो हैरान रह जाएगा कि इसके अंदर फिलिंग गई कैसे आके, और क्योंकि हमने इसके ऊपर कोटिंग कर दी थी कॉर्नफ्लोर की और हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी डाले थे, तो जो अंदर फिलिंग है उसके अंदर रिफाइंड नहीं गया होगा। देखिए कितना बढ़िया हमारा पाइनएप्पल समोसा बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही क्रिस्पी और खाने में बहुत ही स्वाद। ये देखिए कितना बढ़िया एकदम, बहुत ही सुंदर और बहुत क्रिस्पी। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर अपनी किसी रेसिपी का वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिया है आप उस पर भेज सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, नमस्कार।